आगामी विधानसभा चुनाव को गंभीरता से लेते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, जिसके मद्देनजर भिंड में बहुजन समाज पार्टी के नेता संजीव बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। संजीव बघेल ने बताया कि 27 सितंबर को अटेर विधानसभा क्षेत्र के परा में प्रदेश स्तरीय जंगी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और प्रदेश स्तरीय कई नेता मौजूद होंगे। वहीं भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगते हुए कांग्रेस पार्टी पर भी कई आरोप लगाए गए। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा नेता दिलीप बोध, सुनील बघेल, मेघ सिंह नरवरिया भी मौजूद रहे। वहीं विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी काफी गंभीर नजर आ रही है। आगामी चुनाव में किसी भी तरह की भूल ना हो, इसके लिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों के साथ चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। वहीं भिंड में बहुजन समाज पार्टी के नेता संजीव बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पार्टी के नेता संजीव बघेल ने चर्चा करते हुए इस दौरान कहा कि अपने आगामी कार्यक्रम के बारे में नेता संजीव बघेल ने बताया है कि 27 सितंबर को अटेर विधानसभा क्षेत्र के परा में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और प्रदेश स्तरीय कई नेता शामिल होंगे। चर्चा के दौरान संजीव बघेल ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया। हम लोग मिशन 2023 को लेकर हमारे परम सम्माननीय राज्यसभा सांसद प्रदेश के मुख्य प्रभारी रामजी गौतम साहब उस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पधार रहे हैं और हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वास्तविकता में क्षेत्र की जनता इन दोनों दलों से परेशान है, क्योंकि अभी तक जो अटेर विधानसभा में होता आया है।